So in this video, I would like to discuss about auditor to attend general meeting as per section 146 CMA Inter group 2 from auditing sections. Auditor to attend general meeting as per section 146. All notices of and other communications relating to any general meeting shall be forwarded to the auditor of the company. And the auditor shall, unless otherwise exempted by the company, attend either by himself or through his authorized representative, who shall also be qualified to be an auditor, any general meeting, and shall have right to be heard at such meeting on any part of the business which concern him as the auditor. Means जितने company के जितने भी notices है and जितने भी communications है which are relating to general meeting, वो सब फॉरवर्ड किया जाएगा ऑडिटर को ऑफ द कंपनी. एंड द ऑडिटर शैल अनलेस अदरवाइज एग्जेम्प्टेड बाय द कंपनी अटेंड आइदर बाय हिमसेल्फ और थ्रू हिज क्वालिफाइड ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हु शैल आल्सो बी क्वालिफाइड टू बी एन ऑडिटर एंड शैल हैव राइट टू बी हर्ड एट सच मीटिंग ऑन एनी पार्ट ऑफ द बिजनेस व्हिच कंसर्न हिम एज द ऑडिटर. Okay, so this is it all about auditor to attend general meeting. As we have already discussed about all the sections from section 142 to 147, means, you know, in section, you can say section 140 belongs to removal or resignation or you can say giving of special notices. Then as per section 141, we know that eligibility, qualification and disqualification of auditor. Eligibility, qualifications and disqualifications of auditor. Disqualifications of auditor. Then as per section 142, as we know, that remuneration of auditor. Remuneration of auditor. Then section 143, powers and rights of the auditor. Powers and rights of the auditor. Then section 144, auditor not to render certain services. Auditor not to render certain services. Then section 145, auditor to sign audit reports. Auditor to sign audit report. Then section 146, auditor to attend general meeting. Auditor to attend general meeting. And section 147, punishment for contravention. Punishment for
कंट्रावेंशन. ओके, एज पर कंपनीज एक्ट 2013, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से नहीं है, कंपनी के एक्ट, कंपनी एक्ट 2013. कंपनीज एक्ट 2013. ओके, सेक्शन 140 रिमूवल और रिजमिशन ऑफ और गिविंग ऑफ स्पेशल नोटिसेस बाय ऑडिटर. सेक्शन 141 एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर. सेक्शन 142 रिमुनेशन ऑफ ऑडिटर. सेक्शन 143 पावर्स एंड राइट्स ऑफ द ऑडिटर. सेक्शन 144 ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टन सर्विसेज. हम लोग सब पढ़े थे, लेकिन ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टन सर्विसेज ये हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टन सर्विसेज एज पर सेक्शन 144. देन सेक्शन 145 ऑडिटर टू साइन ऑडिट रिपोर्ट. देन सेक्शन 146 ऑडिटर टू अटेंड जनरल मीटिंग. एंड सेक्शन 147 पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन. सो ये सेक्शन, ऑल सेक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर ऑल द सेक्शंस. ओके, सो सेक्शन 146 एज यू नो ऑडिटर टू अटेंड जनरल मीटिंग. जितने भी नोटिसेस हैं, जितने भी कम्युनिकेशंस हैं व्हिच आर रिलेटिंग टू जनरल मीटिंग शैल बी फॉरवर्डेड टू द ऑडिटर ऑफ द कंपनी एंड द ऑडिटर शैल अनलेस अदरवाइज एग्जेम्प्टेड बाय द कंपनी अटेंड आइदर बाय हिमसेल्फ और थ्रू हिज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हु शैल ऑल्सो बी क्वालिफाइड टू बी एन ऑडिटर एनी जनरल मीटिंग एंड शैल हैव राइट टू बी हर्ड एट सच मीटिंग ऑन एनी पार्ट ऑफ द बिजनेस व्हिच कंसर्न हिम एज द ऑडिटर. जितने भी यू नो जितने भी जनरल मीटिंग है, ऑडिटर का राइट है टू बी हर्ड एट सच मीटिंग ऑन एनी पार्ट ऑफ द बिजनेस व्हिच कंसर्न हिम एज द ऑडिटर. सो दिस इज इट ऑल अबाउट सेक्शन 146 ऑडिटर टू अटेंड जनरल मीटिंग. एंड वी हैव ऑल्सो रिवाइज्ड सेक्शन 140 to 147. सेक्शन 140 रिमूवल और रिजिग्नेशन और गिविंग ऑफ स्पेशल नोटिसेस. सेक्शन 141 मीन्स एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर. सेक्शन 142 रिमुनेशन ऑफ ऑडिटर. सेक्शन 143 पावर्स एंड राइट्स ऑफ द ऑडिटर. देन सेक्शन 144 ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेस. देन सेक्शन 145 ऑडिटर टू साइन ऑडिट रिपोर्ट. देन सेक्शन 146 ऑडिटर टू अटेंड जनरल मीटिंग. एंड लास्ट सेक्शन 147 पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन. सो ये सब सेक्शन आपको आपको याद करना है एज पर कंपनी एक्ट 2013. ओके, सो दिस इज इट ऑल अबाउट ऑडिटर्स टू अटेंड जनरल मीटिंग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.